नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, राज्य मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और उसमें विभिन्न यहाँ पर निर्णय लिए गए। सबसे पहला जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि प्रशासन संघ गाँव के और शहरों के संघ जो अभियान है वो 2 अक्टूबर से यहाँ पर चालू होगा। मैं बता दूँ, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक में गांधी जयंती 2 अक्टूबर से प्रशासन गांवों के संघ और प्रशासन शहरों के संघ अभियान चालू यहां पर किया जाएगा। साथ ही स्कूल शिक्षा के सेवा नियमों में एकरूपता के लिए राजस्थान शैक्षणिक राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 का अनुमोदन यहाँ पर किया गया। साथ ही राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के संशोधन को यहाँ पर मंजूरी दी। पशुपालन विभाग में पदोन्नति में विसंगतियां होगी दूर। मैं बता दूं, पशुपालन विभाग में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी और उच्चतर पदों पर पदोन्नति के लिए जो विसंगतियां हैं वो दूर करने की मंजूरी यहां पर दे दी है। साथ ही पॉलिटेक्निकल कॉलेज में अधीनस्थ सेवाओं में साक्षात्कार के प्रावधान को यहाँ पर हटा दिया गया है। कार्मिकों एवं पेंशनर को RGSS का लाभ देने के लिए नियमों में संशोधन किया जा रहा है। मैं बता दूं, कैबिनेट ने राज्य सेवा नियम 1951 तथा राजस्थान सिविल सेवा नियम चिकित्सा परिचर्चा नियम 2013 में संशोधन को मंजूरी दी है। इन संशोधनों के जरिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS लागू करने पर राज्य सरकार के सेवारत कार्मिकों के द्वारा सेवा के दौरान राजस्थान स्टेट पेंशनर मेडिकल कंसेशन स्कीम के स्थान पर RGHS में अंशदान किए जाने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। और इस योजना के तहत राज्य सरकार के पेंशनरों एवं 1 जनवरी 2004 से पूर्व नियुक्त जो नियुक्त राज्य कर्मचारी हैं को कैशलेस और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी। तो कार्मिकों एवं पेंशनर को RGHS का लाभ देने के लिए नियमों में संशोधन किया है। पारिस्थिति पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति को मंजूरी यहाँ पर दी है। DMI के लिए MCPV के गठन को यहाँ पर मंजूरी दी है। साथ ही मैं बता दूँ, आमजन की समस्याओं का मौके पर निराकरण के लिए अभियान यहाँ पर चलाया जाएगा। 2 अक्टूबर से जो प्रशासन गांवों के संघ और शहरों के संघ जो अभियान है उसमें जो 19 विभागों के जो कार्य है वो एक स्थान पर हो सकेगा। 6वें राज्य वित्त आयोग के अंतरिम जो प्रतिवेदन है उसका अनुमोदन किया है। युवाओं और बेरोजगारों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना चालू की जाएगी, जिसमें इस योजना के तहत 5 लाख जरूरतमंद जो बेरोजगार छात्र छात्राएं हैं उनको 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण यहां पर उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं, कॉलेजों के मापदंड निर्धारण के लिए कैबिनेट सब कमेटी का यहां पर गठन होगा। 1 माह में 87 नए अस्पताल चिरंजीवी योजना से जुड़े हैं। इंदिरा रसोई योजना के विस्तार पर यहाँ पर चर्चा हुई। और अब जो सबसे बड़ी बात है, प्रदेश में 2500 राजीव गांधी युवा मित्रों का यहाँ पर चयन किया जाएगा। आमजन को सरकार की जो लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं से अवगत करवाने, जागरूक करने और उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य में राजीव गांधी युवा विकास प्रेरक योजना पर भी बैठक में चर्चा हुई। योजना में 2500 राजीव गांधी युवा मित्रों का यहां पर चयन किया जाएगा तथा गाँव में 50,000 महिला एवं पुरुष राजीव गांधी युवा वॉलंटियर्स बनाए जाएंगे। तो 2500 राजीव गांधी मित्रों का चयन होगा और 50,000 पुरुष और महिला राजीव गांधी युवा वॉलंटियर्स बनाए यहां पर जाएंगे। साथ ही में CGSS की तर्ज पे राज्य में विधायकों, MLAs, पूर्व MLAs, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को कैशलेस उपचार के लिए RGHS योजना के क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। तो दोस्तों बड़ी अपडेट, यहाँ पर 2500 राजीव गांधी मित्रों का चयन किया जाएगा और 50,000 राजीव गांधी युवा वॉलंटियर्स का यहाँ पर चयन किया जाएगा। इंदिरा गांधी रसोई विस्तार योजना पर चर्चा की गई। 87 नए हॉस्पिटल्स को यहाँ पर चिरंजीवी योजना में जोड़ा गया है। कॉलेजों के मापदंड निर्धारण के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन होगा। युवा और बेरोजगारों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च की जाएगी, जिसमें 5 लाख बेरोजगारों को 50,000 का ब्याज मुक्त ऋण यहां पर दिया जाएगा। आमजन की समस्याओं का मौके पर निराकरण किया जाएगा, जिसके लिए 2 अक्टूबर से राजीव गांधी जो प्रशासन गांवों के संघ और प्रशासन शहरों के संघ अभियान चालू किया जाएगा। स्कूल शिक्षा के सेवा नियमों में संशोधन का यहां पर अनुमोदन कर दिया है।
राजस्थान पुलिस सेवा नियम 1989 में संशोधन को मंजूरी दी है। पशुपालन विभाग में पदोन्नतियाँ यहाँ पर दूर की है। तो इसके अलावा 2500 राजीव गांधी मित्रों और 50,000 युवा वॉलेंटियर्स का यहाँ पर गठन किया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। तो दोस्तों, कल राज्य मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा विभिन्न निर्णय यहाँ पर लिए गए। साथ ही बेरोजगारों को 50,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने, 2500 राजीव गांधी युवा मित्रों और 50,000 पुरुष और महिला राजीव गांधी वॉलेंटियर्स का चयन करने की यहाँ पर मंजूरी दी है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।